जय हिंद दोस्तों। बिहार होमगार्ड भर्ती 2011 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो कि सभी कैंडिडेट को जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों यह बहुत अच्छा अपडेट आया है जो कि आपको जानकर खुशी भी होने वाली है। तो आप मेरे वीडियो में बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर जो भी जानकारी आपको आती है सबसे पहले आप सभी तक पहुँचता है। तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों यह तो अपडेट औरंगाबाद जिले के लिए आई है, लेकिन सभी अभ्यर्थियों को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट लग रहा था पहले, आपको अब डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। सिर्फ आपको आधार कार्ड और रसीद पर आपका भर्ती लिया जाएगा। जो आपके पास पावती रसीद है उसी के आधार पर लिया जाएगा। तो चलिए पूरी विवरण आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, कोई फेक वीडियो नहीं है, आपको दिखा रहा हूँ। आज ही का पेपर है जो कि आपको दैनिक भास्कर में मिल जाएगा, जाकर पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, फिटनेस जांच में सिर्फ आधार एवं रसीद लेकर पहुंचे अभ्यर्थी। यानी दोस्तों जो वहाँ का डीएम है सौरभ जोरवाल ने आपको सोमवार को यह अलाउंस कर दिए हैं कि आपको भर्ती में सिर्फ आधार कार्ड और रसीद, जो पावती रसीद है, वही लेकर जाना है। अगर आपके पास पावती रसीद नहीं है तो आप वीडियो में बने रहे, आपको समझाने वाला हूँ कैसे आप भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, सोमवार को डीएम सौरभ जोरवाल ने गृह रक्षक शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा की तैयारी की समीक्षा कि जिसमें बताया कि आवेदक को अपना पावती रसीद तथा आधार कार्ड छोड़कर अन्य कोई दस्तावेज लाने की आवश्यकता नहीं है। साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि आपको और कोई डॉक्यूमेंट दस्तावेज लेके साथ में नहीं आना है। साथ ही डीएम ने आवेदक को मास्टर चार्ट एनआईसी का वेबसाइट पर जल्द से जल्द अपलोड करने का निर्देश दिया है। यानी दोस्तों औरंगाबाद.nic.in पर जाकर आप मास्टर चार्ट से अपना वहाँ से पावती रसीद जान सकते हैं कि आपका नाम है कि नहीं, उसी के आधार पर भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो आपको क्लियर हो गया कि आपके पास रसीद नहीं है तो भी आप इस भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे ही मास्टर चार्ट आपको जारी होगा उसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, जो आपको आवेदन संख्या मिला था, वह सब कुछ प्रॉपर वहाँ पर जानकारी दिया जाएगा। वहाँ से जाकर डाउनलोड करके आप फिजिकल में सम्मिलित हो सकते हैं। अपलोड का निर्देश दिया है। समीक्षा के दौरान बताया गया कि गृह रक्षकों की शारीरिक दक्षता की जांच परीक्षा 25 फरवरी होगी, 25 फरवरी को औरंगाबाद ग्रामीण, 26 फरवरी को अंबा कुटुंबा एवं नबीनगर प्रखंड के, 27 फरवरी को मदनपुर रफीगंज एवं देव प्रखंड के, 28 फरवरी के दाऊद नगर एवं गोह प्रखंड के, 28 फरवरी के वरुण एवं ओबरा प्रखंड, 1 मार्च को औरंगाबाद शहरी हसनपुरा प्रखंड एवं सभी प्रखंड के महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता जाँच की जाएगी, जो कि 2 मार्च को सभी प्रखंड में छूटे हुए अभ्यर्थी को पुलिस केंद्र में जांच की जाएगी। दोस्तों जो अभ्यर्थी छूट जाते हैं किसी कारण से, इस भर्ती में सम्मिलित नहीं हो रहे फिजिकल में, तो आप 2 मार्च को जाकर इसमें अपना फिजिकल दे सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। जिला अधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि सभी आवेदकों की जांच बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए आवेदक को अपना आधार कार्ड लेकर आना अनिवार्य होगा। इस मौके पर एसपी कातेंस कुमार मिश्र, अपर समाहर्ता सिविल सर्जन, मुख्य अनुमंडल अधिकारी, अनुमंडल पुलिस अधिकारी प्रभारी अधिकारी, जिला समान शाखा प्रभारी पदाधिकारी, जिला नजारत शाखा प्रभारी अधिकारी, जिला गोपनीयता शाखा, यह सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। और आपको बैठक भी हुआ था, उसमें भी यह सभी अधिकारी मौजूद थे, जिसमें निर्णय लिया गया है कि अब आपको आधार कार्ड और पावती रसीद सिर्फ लेकर जाइएगा तो आपको फिजिकल करा लिया जाएगा। तो दोस्तों आपका जो संशय बना हुआ था कि सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाना है या क्या ले जाना है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। जिसके पास रसीद नहीं है उसका भी संशय डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो और जानकारी देखने के लिए चैनल के सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर जो भी जानकारी आपको आएगी सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। तो दोस्तों अगला वीडियो में मिलते हैं किसी खास जॉब अपडेट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।